आपने अभी कहा कि प्राइवेट सेक्टर, बड़ा आपको थोड़ा सिंपलिस्टिक सा क्वेश्चन भी है, कि आपने अभी कहा कि प्राइवेट का एक लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, क्या मोटिवेशन फिर प्राइवेट फर्म्स के लिए होता है ऐसी साझेदारियों में आने के लिए? देखिए, वही मैंने कहा आपको कि जब इस अस्पताल की शुरुआत करनी थी तो बहुत सारे टेंडर निकाले गए, बहुत लोगों को बोला गया, एक एनर्जी था जो सामने आया उस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि इस अस्पताल में ज्यादा मुनाफा बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी नहीं था कि आप नुकसान में जाएं, क्योंकि नुकसान में अपनी जेब से पैसा खर्च करके एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना चाहती है, या अगर पब्लिकली लिस्टेड आप कंपनी नहीं है तब भी आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो मोटिवेशन तब हो सकता है, पहली बात आपको अपनी जेब से पैसा ना खर्च करना पड़े, प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना हो, नहीं चाहिए आपको। देखिए, अगर आप अपने पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 10-15% पैसा नहीं कमाएगी कोई भी एंटरप्राइज, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि आप ना लोगों को तनख्वाह ज्यादा दे सकते हैं, ना आप अप्रेजल कर सकते हैं, ना आप महंगाई के साथ चल सकते हैं, ना आप इक्विपमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, ना आप टेक्नोलॉजी के साथ चल सकते हैं। तो ये तो मोटिवेशन दो थे, एनएच के लिए पहला मोटिवेशन था कि श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर चलना, और जहां पे सारी की सारी सहूलियतें आपको दी जा रही थी, लैंड आपको दी जा रही थी, बिल्डिंग आपको दी जा रही थी, वायबल गैप फंडिंग आपको दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद में आपको अस्पताल चलाना था। और दूसरी मोटिवेशन ये थी कि ऐसी कंडीशंस थी कि आपको अपनी जेब से पैसा ना खर्च करके कुछ कम मुनाफा, मुनाफा था कुछ कम मुनाफा। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा सबके उससे कि हमने फिर ये बाद में डिसाइड किया, वो अस्पताल आज अपने पैरों पे खड़ा है और मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि एक अस्पताल चल पड़ा हो, एक अच्छा एग्जांपल था। फिर एनएच ने ये डिसाइड किया कि हम वहां से एक भी पैसा नहीं लेंगे, वो अलग बात है, क्योंकि वी वांटेड टू डू इट एज अ सर्विस, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट देयर वाज अ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट वाज नॉट टू मच, बट इट वाज नॉट समथिंग दैट वी हैड टू पे आउट ऑफ आवर पॉकेट, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ प्राइवेट एंटरप्राइज। थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया, हमने आपसे कोविड के दौर की बात की और हमने ये समझा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने कंज्यूमर को एक सर्विस के लेवल पर, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या टेस्टिंग हो, किस तरह अपने आप को साबित किया। पीपीपी हेल्थ केयर के सेक्टर में और दूसरे लेवल्स पर, जस्ट नॉट सर्विस, और दूसरे लेवल्स पर किस तरह से काम करती है? मैं सिर्फ एक समझना चाहती हूँ कि क्या ये अलग अलग लेवल्स पर भी मौजूद है, जैसे आपने रिसर्च का जिक्र किया। जैसे मैंने रिसर्च का जिक्र किया कि रिसर्च में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि रिसर्च में अभी हम अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इनोवेशन करनी है, नई चीज़ें लानी है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री का पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। भारत में इतना नहीं है, बाहर देशों में देखो तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री का पार्टनरशिप इतना है कि हम कई इनोवेशन और कई जो एंटरप्रेनर्स हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। तो एक तो ये करने की ज़रूरत है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और ये कुछ हद तक जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक वैक्सीन का, और सेक्टर्स में भी हो, चाहे वो डिवाइसेज हो, चाहे न्यू मॉलिक्यूल्स हो, इसमें भी हो सकता है। दूसरा है मेडिकल एजुकेशन में, कि मेडिकल एजुकेशन में हेल्थ में हम कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी भी हम अगर देखें, देर इज़ अ ह्यूज गैप इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स इन आर कंट्री, तो हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे इनोवेट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कैसे मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं जिससे वी कैन हैव गुड क्वालिटी डॉक्टर्स, और जो वहाँ की टीचिंग है उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो एक ये भी एक गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, और कुछ हद तक ये चल रहा है क्योंकि कई स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू मेडिकल कॉलेज विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो मेडिकल एजुकेशन में भी ये हो सकता है। दूसरा है कि अगर हम देखें पेशेंट केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हाउ कैन वी पार्टनर विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर पार्टनर एज कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ये कई एरियाज हैं जहाँ पे हम पेशेंट की बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल था हॉस्पिटल का जो ये कटरा के पास है, ये भी एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू गवर्नमेंट के सेक्टर से हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया और वो हॉस्पिटल अब चल रहा है। तो इस टाइप के मॉडल जो हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। जब सर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हेल्थ केयर में करते हैं, तो हम उसका एक बड़ा लक्ष्य ये समझते हैं कि रूरल एरियाज तक हम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर पहुंचाएं। पर उसकी राह में मैं जो समझती हूं कि काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू, करप्शन,
कई लेवल्स पर है, आई एम श्योर उसके एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है. लैक ऑफ मोटिवेशन, कई डॉक्टर्स मैं समझती हूँ कि रूरल एरियाज में नहीं पोस्टेड होना चाहते हैं. साइंटिफिक अप्रोच की कमी जैसे गाँव में है, तांत्रिक ओझा के पास ज्यादा वो जाना कई बार प्रेफर करते हैं. इन सारी समस्याओं से, और समस्या एक नहीं है, कई सारी हैं, तो इन सारी समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, ये मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी. उसके कई, आपकी बात सही है कि डॉक्टर्स भी रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है. कई डॉक्टर्स ये कहेंगे कि फैसिलिटीज नहीं है, अगर वहाँ सेटल होना चाहें फैमिली के साथ तो इनफ फैसिलिटीज अगर नहीं है तो उनकी फैमिली वहाँ कैसे सेटल हो सकती है. दूसरा इशू ये है कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, अगर हम कहें कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ इन्वेस्ट करें तो रिटर्न्स उनके इतने नहीं होंगे कि वो सोचें कि ये वायबल इन्वेस्टमेंट है. तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कुछ हद तक सपोर्ट कर सकती है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जैसे, उसको आगे अपग्रेड करना है प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, उसको हम अपग्रेड करके उसमें बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. दूसरा जो मैंने, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी एक लर्निंग हुई कोविड से, कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम रिमोट एरिया टू रिमोट एरियाज फ्रॉम द सेंटर इटसेल्फ. जैसे टेलीमेडिसिन है, टेली कंसल्टेशन है, आजकल आप आईसीयू चला सकते हो, हॉस्पिटल चला सकते हो थ्रू वीडियो कंसल्टेशन एंड थ्रू मॉनिटरिंग बाय वेरियस डिवाइसेस. तो हमें टेक्नोलॉजी भी मेडिसिन में ज़्यादा एग्रेसिवली लाने की जरूरत है, और उसको लेके हम कई रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. वैक्सीन की बात अगर हम देखें, अगर वैक्सीन मेडिसिन देना था रिमोट एरियाज में, तो ड्रोन के को यूज़ करके वैक्सीन नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर दी गई, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, वैक्सीन को पहुँचाने में टाइम लगता था. तो हेल्थ केयर में भी अगर हम टेक्नोलॉजी लाएं तो ये जो गैप है इसको कुछ हद तक हम ब्रिज कर सकते हैं, और इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सक्सेसफुल हुए हैं.